हाँ जी, तो ये हमने एक फॉर्मूला टाइप डिराइव कर लिया, क्या दैट इज अगर हमारे पास पाई रेडियन है तो 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 बाय पाई, ठीक, तो वो आ जाएगी 180 बाय पाई। इस तरीके से उसको हमने थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो वहां से हमें मिलेगा कि जो थीटा रेडियन है, ठीक, थीटा रेडियन के ऐसे वैल्यू क्या आ जाएगी डिग्री में, फिर थीटा इंटू 180 बाय पाई, यानी कि अगर थीटा यहाँ पे रेडियन में है, उस थीटा रेडियन को अगर हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बन के आएगी वो सारी की सारी वैल्यू डिग्री में होगी। ठीक, इसी का एग्जांपल देने के लिए हमने क्या किया, लेट से हमने बोला कि लेट से कन्वर्ट दिस पाई, पाई बाय 16, पाई बाय 15 एंड दिस पाई बाय 10 इंटू डिग्री, इनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना। तो सबको हमने इंडिविजुअली 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पाई पाई कटा तो ये बन गया 180 डिग्री, यानी कि जो पाई रेडियन है वो हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक, चलो ये तो स्टैंडर्ड ही है। अब ये अगेन पाई पाई कटा तो ये बन गया 180 बाय 16, फिर 4 पे कट के ये ऊपर 45 आ गया, नीचे 4 आ गया, यानी कि ये बन गया हमारा 45 बाय 4 डिग्री। तो जो हमारा पाई बाय 16 है वो हमारा जाएगा 45 बाय 4 डिग्री। ठीक, देन यहाँ पे पाई पाई कटा तो ये आ गया 180 बाय 15। ठीक, ये 15 बांदा 15 12। रेडियन से पाई की कन्वर्जन है ना? हाँ जी, रेडियन टू पाई, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, सॉरी रेडियन टू डिग्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडियन टू डिग्री। ठीक, तो ये आ गया आपका, हमेशा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इन शॉर्ट दोबारा आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है, लास्ट में क्या चीज हमने किया। ठीक है, अच्छा ये चीज, तो ये पाई पाई कटा तो ये कितना, ये 10 10 भी कटा तो ये आ गया 18 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमने ये बोला कि जो पाई बाय 15 रेडियन है वो 12 डिग्री होगा एंड पाई बाय 10 रेडियन जो है वो 18 डिग्री होगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी ध्यान से देखो हमने क्या किया कि रेडियन एंड डिग्री। ठीक, अब देखो हमने ये देखा कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करना पड़ेगा। ठीक, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना। ठीक, ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि 180 बाय पाई, पाई बाय 180 किसको किस में करना है, तो क्या लिख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जो बच्चे जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें अगर कंफ्यूजन हो, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के दो तरीके हैं। पहला, कंफ्यूजन हो रही है स्टैंडर्ड लेके चल लो, दैट इज 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई रेडियन होता है, तो इसके थ्रू यूनिटरी मेथड से कर लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अगर ये चीज नहीं याद हो पा रही तो यूनिटरी मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहीं से हमारा ये रिलेशन बना के हमने डाला। ठीक है, दूसरी चीज ये है, इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, ठीक, ध्यान से देखना है। वो ट्रिक ये है, ठीक, देखो जो एंगल हमारा 180 डिग्री होता है रेडियन में, वही एंगल कितना बन जाता है, पाई रेडियन, राइट, दैट इज 3.14 रेडियन। हाँ जाना, ठीक, ये चीज बन गया, यही स्टैंडर्ड हम लेके गए थे। तो जो हमारा डिग्री में 180 डिग्री है वही रेडियन में कितना बना हमारा, पाई रेडियन, यानी कि उसकी वैल्यू 3.14। तो ध्यान से देखो क्या हुआ कि अगर डिग्री में वैल्यू 180 है तो रेडियन में वही वैल्यू कितनी, 3.14, तो देखो वैल्यू कम हो गई। एंगल सेम है, एंगल यही है हमारा, राइट, एंगल यही है हमारा, डिग्री में उसकी वैल्यू 180 है, रेडियन में उसकी वैल्यू 3.14 है, यानी कि किसी भी एंगल को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक, ध्यान से देखो, जैसे जो हमारा 150 सेंटीमीटर है, राइट, वो 1.5 मीटर बन जाएगा, यानी कि जो सेंटीमीटर में 150 है, 150 150 वो मीटर में कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो वैल्यू कम हो गई। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, राइट, वही काम हम इधर बोल रहे हैं कि जो डिग्री में 180 है वो रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 3.14 बन जाएगी, यानी कि किसी भी एंगल को जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट, पक्का सबको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज 180 बाय पाई, 180 बाय पाई क्या मतलब क्या है, 180 बाय 3.14। ठीक, अब ये जो 180 बाय 3.14 है, ठीक, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, ठीक, दैट इज 57.32। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। ठीक, ये नॉर्मली मैंने डिवाइड करके लिखा, अब खुद सोचो
जब मेरे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मेरी वैल्यू बढ़नी चाहिए। जब मेरे को किसी भी एंगल को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट। इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई से, दैट इज 57.32 से, क्योंकि किसी भी नंबर को ऑब्वियसली 57. समथिंग से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसको याद रखने का तरीका ये, ठीक। अच्छा, अब ये जो चीज हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो अगर 180 बाय पाई हमारा 57.32 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, दैट इज पाई बाय 180, क्या हो जाएगा मेरा 1/57, राइट। तो अब अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 57 करूंगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए डिग्री को जब भी मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा और 57.32 से डिवाइड कर दूंगा ताकि वैल्यू कम हो जाए। इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश की है कि कोई भी वैल्यू जो रेडियन में होती है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसलिए उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाय पाई से, एंड अगर डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180। आई होप ये चीज छोटी सी ट्रिक है, ये क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी, ठीक। अदरवाइज अगर ये ट्रिक नहीं काम आ रही तुम्हारे तो तुम एक काम कर सकते हो, ठीक, क्या कि तुम लोग स्टैंडर्ड अपना यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। क्लियर हुआ ये चीज, चले आगे, ठीक। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री का ना एक सब डिविजन होता है, ठीक। जैसे देखो जो 1 रेडियन होता है, ठीक, उसका आगे डिवीजन क्या होते हैं, वही पॉइंट, मतलब डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अब 3.14 बोला, 3.14 रेडियन का मतलब क्या कि 3 रेडियन एंड 0.14 रेडियन। तो जो नॉर्मल हमारा 1 को हम 100 में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे वही वाला चीज चलती है, ठीक है। लेकिन डिग्री का अलग चीज है, ठीक है। डिग्री का अभी तक तुमने देखा नहीं हुआ, ये डिग्री की सब डिवीजन तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराई है। जैसे होता ना, हाँ बिल्कुल, तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। फिर 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर, राइट। इस तरीके से तो इसकी आगे जो सब डिविजन होती है वो सब डिविजन क्या होती है ये चीज अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराई, वही इंट्रोड्यूस अभी मैं कराऊंगा। मिनट हो यार, हाँ जी मिनट होता है ना, हाँ जी हाँ जी, मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। तो जो हमारे टाइम के यूनिट्स होते हैं, नाम वही रहता है लेकिन एक्चुअली में ये टाइम वाला यूनिट नहीं है, ठीक है। नाम वही यूज करते हैं लेकिन है इसको बोलते डिग्री है। ध्यान से देखो, जो 1 डिग्री होता है, ठीक, दैट इज नथिंग बट 60 मिनट्स, ठीक। एंड उसको लिखने का तरीका होता है 60 और एक बार, एक बार का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स होते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है, इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री की आगे जो डिवीजन है, ठीक है, मान लो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 1 डिग्री, अज्यूम करो ये एंगल जो है ये 1 डिग्री है, अज्यूम करो, यानी कि इसके अंदर जो छोटी छोटी डिवीजन होगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे करके, ये जितनी डिवीजन मैं 60 डिवीजन बनाऊंगा तो ये 1 डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मिनट। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। तो जो 1 डिग्री होता है, हाँ जी हाँ जी, बेसिकली 1 डिवीजन की आगे जो होता है वो 60 मिनट्स होता है। जैसे देखो 1 मीटर के आगे कितना होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री का आगे सब डिवीजन कितनी होती है 60 मिनट्स, इस तरीके से। अच्छा, अज्यूम करो, अज्यूम करो, अज्यूम करो, ठीक, वो बोल रहा है कि मेरे पास एंगल जो है 1 डिग्री एंड 40 मिनट्स है, कन्वर्ट दिस इंटू एंगल टू कंप्लीट डिग्री। इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना। अब ध्यान से ये चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्या चीज है ये। वो बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी चीज, जैसे वो है ना 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर, तो इसको वो बोल रहा है कि टोटली मीटर में कन्वर्ट करना। तो इसको टोटली मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये जो 56 सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको 1 मीटर में ऐड करेंगे। तो 56 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा 0.56 मीटर। अब इसके अंदर प्लस 1 मीटर जो ऑलरेडी गिवन था वो किया तो ये क्या बन गया 1.56 मीटर। आई होप क्लियर हुआ, राइट। वही काम इधर करना, वो क्या बोल रहा है कि 1 डिग्री एंड, अभी मैं एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये 1 डिग्री एंड 40 जो मिनट्स है हमारे पास, इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। पहली बात तो ये क्लियर हुआ, ये चीज क्या करना है अभी, ठीक।
अभी करने का तरीका क्या है इसका, ठीक ध्यान से देखना, 1 degree and 40 minutes, तो हम क्या करेंगे 40 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे एंड इस चीज को फिर 1 वाली डिग्री के अंदर ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो ये चीज, हम इसको यूज करेंगे कि 60 मिनट जो होता है हमारा 1 डिग्री होता है, ठीक 60 डिग्री अगर मेरा 60 मिनट्स अगर मेरा 1 डिग्री है तो 1 मिनट जो है वो कितना जाएगा मेरा 1/60 degree, ठीक, तो जो 40 मिनट्स है वो कितना जाएगा मेरा 40/60 degree, तो दैट इज नथिंग बट 2/3 degree, ठीक, तो वो जाएगा 2/3 degree। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा 1 degree and 40 minutes है, तो ये 40 मिनट्स को जब मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 2/3 degree। अब टोटल कितना जाएगा मेरा, दैट इज 1 degree plus 2/3 degree, तो ये बन गया मेरा एलसीएम लेने के बाद 5/3 degree। तो कहने का मतलब ये है कि 1 degree 40 minutes जो है, 1 degree 40 minutes ये कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करके मेरा बन गया 5/3 degree। अभी क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता था क्वेश्चन में? हाँ जी पक्का सबको क्लियर हुआ, सारे बताओ जरा प्लीज। यस क्लियर सर। पक्का सबको? नमन, सारिशा, शौर्य, फोर्टी मिनट्स को कैसे कन्वर्ट किया? ठीक है ठीक है ठीक है। लवण्या आपको क्लियर हुआ? ठीक ठीक हाँ जी। देखो सारिशा आप अपना माइक ऑन रखिए प्लीज। यस ठीक। अब ध्यान से देखिए, मेरे को ये बताइए ये चीज क्लियर है आपको कि ये स्टैंडर्ड जो 60 मिनट्स है ये 1 डिग्री होगा? यस सर। पक्का ये स्टैंडर्ड है हमारा क्या कि जो 1 डिग्री होता है इस 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका ये 60 and 1 single bar, ठीक, तो ये बन गया हमारा 60 मिनट्स जो होते हैं, ठीक, दैट इज 1 डिग्री। तो मेरे को ये बताओ 1 मिनट कितना होगा फिर 1/60 degree? हाँ जाना। यस सर। तो ये बताओ कि 40 मिनट्स कितना होगा फिर, दैट इज 40/60 degree, तो ये बन गया 20 पे कट करके ये 2/3 degree आ गया। ओके। तो ये जो चीज है 40 मिनट्स, ठीक, ये बन गया मेरा 2/3 degree। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये निकाला ना हमने कि 40 मिनट जो है ये 2/3 degree हो गया। यस सर। यस सर। ठीक, तो 40 डिग्री 2/3 minutes हो गया, ऑलरेडी हमारे पास 1 डिग्री था, तो टोटल मिला के कितना बन गया, दैट इज 1 degree plus 2/3 degree, तो ये बन गया टोटल एलसीएम लेने के बाद 5/3 degree। अब क्लियर हुआ कि जो टोटल 1 डिग्री 40 मिनट्स हैं ये कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करके ये मेरा जाएगा 5/3 degree। अब क्लियर हुआ? यस सर। शौर्य आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अभी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। किसी को भी पक्का? चलो आगे चल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, लेट से अब क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट 1 degree 40 minutes जो अभी हमने किया है टू रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक, ये रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड भी सेम होगा। क्या करेंगे, पहले इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पूरी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, बात खत्म। तो अब ध्यान से देखो, अभी हमने देखा कि इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट करके क्या बनता था, That is 1 degree 40 minutes completely degree में convert करके बनता था 5/3 degree। आ जाना, ठीक, अभी हमने ये चीज देखी 5/3 degree बन गया ये, right? अब इस degree को radian में convert करने का तरीका क्या होगा, right? इससे multiply करेंगे pi by 180। बिल्कुल, तो 5/3 multiply by pi by 180, तो ये कितना बन गया मेरा, that is 5 on the 5, 6 the 30, तो ये बन गया pi by 48 radian। ठीक, तो ये आ गया पाई बाय 48 रेडियन। तो इस तरीके से हमने 1 degree 40 minutes को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट, 40 मिनट्स को 1 degree 40 minutes को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस श्योर। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं अभी दोबारा आज का चीज मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें अभी आज हमने की है। पहले हमने ये समझा कि जो एंगल है उसका एक और मेजरमेंट करने का यूनिट है हमारे पास, दैट इज रेडियन। ठीक, अब रेडियन को कन्वर्ट करने का डिग्री एंड रेडियन को आपस में कन्वर्ट करने का तरीका, दैट इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना जाएगा पाई बाय 2, 60 डिग्री जाएगा पाई बाय 3, 45 डिग्री जाएगा पाई बाय 4, 30 डिग्री जाएगा पाई बाय 6, इस तरीके से। ठीक, कन्वर्ट करने का तरीका यूनिटरी मेथड।
ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर मेरे पास कोई भी एंगल डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 180 कर दूंगा, एंड अगर कोई भी एंगल मेरे पास रेडियन में उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ठीक, उसके बाद हमने ये चीज देखा कि एक डिग्री जो होता है उसका आगे डिविजन्स के सब डिविजन्स कितने होती हैं, तो 1 डिग्री की आगे सब डिविजन होती है 60 मिनट्स। ठीक, इस तरीके से। तो इसको अब अगर हमें करना है बेसिकली यूज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल 1 डिग्री 40 मिनट्स है हमारे पास, इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, ये जो 40 मिनट्स है इसको डिग्री में कन्वर्ट किया और उसको 1 डिग्री में ऐड कर दिया। ठीक, तो अब हमने देखा कि जो 40 मिनट्स है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके यूनिटरी मेथड से हो जाता है 2/3 डिग्री, तो 1 डिग्री के अंदर ऐड करके कितना बन जाएगा, वो 2/3 डिग्री। तो इस तरीके से ये टोटल बन गया 5/3 डिग्री टोटल ऐड करके। तो 1 डिग्री 40 मिनट्स को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले टोटली हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो डिग्री में कन्वर्ट करके ये 5/3 डिग्री चला गया, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज की है। इसके अलावा भी अभी काफी कुछ है, तो ये जो एंगल का कंप्लीट चीज है ये कंप्लीट करेंगे हम कल। ठीक है, तो हाँ जी, किसी को अगर डाउट है तो प्लीज रुके, अदरवाइज थैंक यू, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सर, वेलकम। लवण्या आप रुकना।